किस टॉपिक पे आप बात करेंगे? इसको इंस्टीट्यूशन पकड़िए। हाँ तो बताइए इंस्टीट्यूशन के बारे में। है कि मतलब जब कोई भी ग्रुप या फिर इंडिविजुअल्स जो है, मतलब जो रूल्स वगैरह होते हैं, रूल्स नॉर्म्स वो फॉलो करने होते हैं इंस्टीट्यूशन में। तो इंस्टीट्यूशन ये नहीं है कि कोई मतलब कॉलेज वगैरह हो, फैमिली, मैरिज, मतलब कॉलेज, हॉस्पिटल, ये मतलब सब इंस्टीट्यूशन ये है। बिल्डिंग्स नहीं होते बल्कि नियम होते हैं, जी ये है ना उसका कहना। जी जैसे विवाह में जो नियम है, जैसे कॉलेज के अंदर जो नियम है कि ड्रेस पहन के आना है, टाइम पे आना है, टाइम पे एग्जाम होगा, टाइम पे क्लास होगा, यही है। कुछ जी और कुछ विशेषता बताएंगे, कुछ और बताएंगे आप? एग्जाम्पल्स है इसके, फैमिली, जैसे फैमिली है तो हम जो जो बच्चा होता है वो अपनी फैमिली से ही सीखता है जो भी, मतलब क्योंकि वो ग्रोथ अपनी फैमिली में करता है। तो जो भी चीज़ें हम सीखेंगे तो हमारा जो भी स्ट्रक्चर होगा, मतलब जो हमारा बिहेवियर होगा, वो सब फैमिली से ही मिलता है। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा नेक्स्ट है। है हाँ जेंडर। हाँ बोलिए। जेंडर मींस कि जैसे हमारी जो फैमिली है वो अगर हमें, मतलब एक तरह से जैसे मैं गर्ल हूँ और मेरा भाई है, तो अगर वो हम पे फक कर रहा है, मतलब वैसे हमारी फैमिली, मतलब ये है कि जेंडर, हम बोलते हैं कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं भेदभाव ना है, हो। तो हाँ भेदभाव ना हो। तो ये भी मतलब एक तरह से जो इंस्टीट्यूशन है उसमें मतलब दोनों को इक्वली देखा जाता है, मतलब उसमें कोई भेदभाव ना हो। बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा रिलीजन। जैसे हम हैं तो हमारे जो भी फैमिली है, हमें रिलीजन भी फैमिली से ही मिलता है। हम किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और हमारे हम किस रिलीजन में हम बॉर्न हुए हैं। रिलीजन की जो सीख है वो भी संस्था है, जी जेंडर की जो सीख है वो भी संस्था है। ठीक है, जी बहुत अच्छा बताया आपने। नेक्स्ट है हमारे जो भी, मतलब जो भी रिलीजन में हमारे जैसे फैमिली है, तो जो हमारा कल्चर है वो डिफरेंट होगा अदर देन जो दूसरी रिलीजन के हैं। तो हमारे जो रिलीजन है वो भी फैमिली से ही आते हैं। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। आप किस टॉपिक पे, आप बताइए, प्राइमरी ग्रुप पे आप किस टॉपिक पे याद किए? आप प्राइमरी ग्रुप पे बताइए। प्राइमरी ग्रुप वह होता है जिसमें आमने सामने का संबंध होता है, जो घनिष्ठ संबंध होता है उसे प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। इसके भी तीन उदाहरण है, परिवार, दोस्त और पड़ोस। क्योंकि परिवार से तो हमारा बहुत आमने सामने का संबंध रहता है, और पड़ोस के साथ भी बहुत संबंध आमने सामने का ही रहता है, और दोस्त के साथ भी घनिष्ठ संबंध रहता है, जिसके आमने सामने के संबंध को ही प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आप दोनों ने बताया आमने सामने का संबंध होता है। आप किस टॉपिक पे बताएंगे? सोसाइटी पे बताइए, क्या है सोसाइटी? सोसाइटी ये केवल ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, ये जो है एक यूनाइटेड बाय मतलब रिलेशंस वेरी गुड, एंड संबंध होता है मतलब। यस और मोड्स ऑफ बिहेवियर। क्योंकि जो सोसाइटी है उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और सोसाइटी में बहुत कुछ सिखाता भी है, बिल्कुल। और फिर हम भी सोसाइटी में जब हम किसी के साथ रहते हैं तो उसको भी कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। तो एक सोसाइटी जो है हमारा मोड ऑफ बिहेवियर भी होता है, और मतलब किसी ना किसी से रिलेटेड होता है। बिल्कुल, सोसाइटी में केवल एक ही इंसान ही रहता है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं जिनसे इनक्वालिटीज होती है, सिमिलरिटीज भी होती है यस और डिसिमिलैरिटीज भी होती है। डिसिमिलरिटीज भी होती तो है। दोनों चीज़ें हमें सिखाती भी हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बेहतरीन। आप किस टॉपिक पे याद किया? सोशल ग्रुप पे। आप बताइए क्या है सोशल ग्रुप? सर जो सोशल ग्रुप है, अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर पीपल हु इन यस यस, सर सही वो मतलब बता आपस रहे हैं। में ही हाँ बात हिंदी में रोज बताइए। आपस में बात करते हैं, एक सिमिलर यूनिटी ऑफ सेंस के लिए और सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के लिए। डेमसेल्फ अ पार्ट ऑफ कंसिडर डेमसेल्फ अ पार्ट ऑफ ग्रुप। और सर इसकी करेक्टरिस्टिक है टू और मोर पीपल, सोशल कॉन्टैक्ट और म्यूचुअल अवेयरनेस। सर इसके थ्री टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप और रेफरेंस ग्रुप। सर जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो स्मॉल बिजनेस स्केल ग्रुप होता है, और इसमें आपस में लोग आमने सामने देख के बात करते हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म ग्रुप होता है। और जो सेकेंडरी होता है वो एकदम उसके अपोजिट होता है, वो आपस में बात नहीं करते, मतलब सिर्फ अपने एक वो इमोशनल लेस ग्रुप होता है, सिर्फ वो अपने अचीव गोल के लिए बात करते हैं, और वो एक शॉर्ट टर्म मान सकते हैं हम। और बहुत जो बेहतरीन, रेफरेंस ग्रुप होता है सर, वो सोशल साइंस के लिए वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, पर वो जैसे हमारे बिजनेस करते हैं ना हम, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि हम अपना जितना भी हमने काम किया ना उसका एक अकाउंट निकाल सकें। चलिए ठीक है। और आपका क्या है, सर यहाँ पे देखिए समाजशास्त्र रेफरेंस ग्रुप में क्या है कि हम किसी को रेफरेंस मानते हैं और वैसा बनना चाहते हैं। जैसे मान लिया डॉक्टर,
आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर आपके लिए क्या हुआ? रेफरेंस ग्रुप। अब समझ में आया? आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो मैं इसमें क्लेरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोले हैं कि भाई बताया क्यों नहीं, बीच में क्लियर करना चाहिए। देखिए, जैसे मान लो आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो प्रोफेसर आपके लिए क्या हो गया? रेफरेंस ग्रुप हो गया। आप वैसा ही बनना चाहते हैं, वैसा ही करते हैं, वैसा ही होने। कोई मान लो एक्टर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, तो वैसे लोगों को फॉलो करने लगता है, वो उसका रेफरेंस होता है, वैसा बनना चाहता है। सर, आप मैंने समाजशास्त्र में बनाया है ठीक है, टॉपिक बताइए समाजशास्त्र में क्या है। समाजशास्त्र, समाज का विज्ञान हाँ और समाज समाज का शास्त्र। जैसे बिल्कुल। सर, समाजशास्त्र वो होता है जो समाजशास्त्र का विज्ञान, तो विज्ञान ठीक मतलब है, सब बोलिए। समाजशास्त्र का हाँ परिवर्तन हाँ या हाँ परिवर्तन भी परिवर्तन उसमें, समाज में और परिवर्तन भी पढ़ते हैं जी, मानव के व्यवहार का मानव के अध्ययन किया व्यवहार का जाता भी है, अध्ययन होता है जी। और संगठनों संबंधों हाँ, संगठन जैसे समूह है, बहुत सारे समूह हैं, परिवार का है, अध्ययन विवाह किया है, जाता जानकारी, बिजनेस ग्रुप, इतने ग्रुप चल रहे हैं पूरी भारत है। में, पूरी दुनिया में, सबका अध्ययन होता है समाजशास्त्र में। ठीक है, कितने ग्रुप हैं? पूरा कॉलेज तो एक ग्रुप हो गया, पूरा टीम काम कर रही है, मेडिकल कॉलेज की टीम काम कर रही है, क्रिकेट वाली काम कर रही है, उधर टेम्पू वाले काम कर रहे हैं, बस वाले काम, सब तो ग्रुप ही है ना। अब टेम्पू, एक टेम्पू वाले को कोई हो गया तो सारा टेम्पू खड़ा हो जाएगा, अरे क्या हुआ भाई, एक डॉक्टर को कोई एक थप्पड़ लगा दिया सपोज, तो सारे डॉक्टर, तो ग्रुप ही तो है वो, एक स्टूडेंट को कोई मार दिया तो उसका सारा साथी आ गया, तो सारा समाज तो ग्रुप ही तो है उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आप सब लोगों ने बताया है, बहुत बेहतरीन इंटरव्यू। ऐसे ही आपको आने वाले वक्त में इंटरव्यू में फेस करना होगा, आप सब या तो प्रोफेसर बनना चाहते हैं या IAS या कोई भी कंपटीशन आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कंसिस्टेंसी के साथ, ओबीडियंसी के साथ, आप जानते हैं हमारे चैनल पे सब चीज़ अवेलेबल है, और आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं, सब्जेक्ट से आप जो है आर्मी, पुलिस, ग्रुप सी, SSC, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। दरोगा की एक क्वेश्चन है हमारा लास्ट में, हम आजकल एक क्वेश्चन पूछते हैं सभी से, व्यूअर्स से। क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट का सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट कैरेक्टर स्टूडेंट में क्या होना चाहिए? और इस क्वेश्चन का सही जवाब जो देगा कमेंट में, उसको हम गिफ्ट देंगे। तो इसलिए ये वीडियो आ जाएगी बहुत जल्दी, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब देगा उसको एक गिफ्ट दिया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसमें कमेंट करें। आप एक क्वेश्चन का आंसर दो तीन भी कर सकते हैं, हो सकता है आपका कोई एक आंसर अच्छा आ जाए, हमें पसंद आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट का सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या होता है, नंबर 1 क्वालिटी। ठीक है, थैंक यू।